Hello friends, my name is Richa and I'm a learning coach. As a young child, you used verb fairly early. Your first words, of course, were probably nouns as you identified the things or people around you. Mama, Dada, doll, baby, bottle, etc. Perhaps were the first standard syllable you uttered. For naming concrete things or real person is the initial step in the development of language. Soon there came the ability to express intangible ideas, and then you begin to use simple verbs go, stop, stay, want, eat, sleep, etc. As you gain maturity, your words expressed ideas of greater and greater complexity. As an adult, you can describe the most involved action in a few simple syllables if you have a good store of useful verbs at your command. So today we will see some more useful words. And again with the same patent trick, using advanced word in your mother language, and the language here I am taking is Hindi. So let's begin. And the first word is obviate, obviate, obviate. Obviate का मतलब होता है remove, यानी हटाना. इसे sentence में ऐसे बोलेंगे, अपने fear को हटाओ, अपने fear को obviate करो, अपने fear को हटाओ. अपने फियर को ओविएट करो. डर हटाना ज़रूरी है. डर ओविएट करना ज़रूरी है. डर हटाना ज़रूरी है. डर ओविएट करना ज़रूरी है. सेकेंड वर्ड इज मिलिटेट. मिलिटेट, मिलिटेट. मिलिटेट का मतलब होता है प्लेइंग इट रॉन्ग, खिलाफ या विरोध करना. खिलाफ होना या विरोध करना इज मिलिटेट. इसे सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, तुम मुझे मिलिटेट क्यों कर रही हो, यानी तुम मेरा विरोध क्यों कर रही हो. तुम मुझे मिलिटेट क्यों कर रही हो, तुम मेरा विरोध क्यों कर रही हो. तुम्हें विरोध करने की आदत है, तुम्हें मिलिटेट करने की आदत है, तुम्हें विरोध करने की आदत है, तुम्हें मिलिटेट करने की आदत है. एंड द थर्ड वर्ड इज मलाइनिंग. मलाइनिंग, मलाइनिंग का मतलब होता है हार्मिंग, प्लेइंग इट डर्टी, किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी को तकलीफ पहुँचाना, नुकसान पहुंचाना इज मलाइनिंग. इसे सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे, वह सभी के साथ गंदा प्ले करता है, वह सभी को मलाइन करता है, वह सभी के साथ गंदा प्ले करता है, वह सभी को मलाइन करता है. दूसरे को नुकसान पहुंचाना गलत है, दूसरों को मलाइन करना गलत है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है, दूसरों को मलाइन करना गलत है. मलाइनिंग जो है वो बहुत नेगेटिव वर्ड है, ये अक्सर चीटिंग के लिए यूज़ होता है. दो कपल्स के बीच में अगर चीट किया जा रहा है तो हम वर्ड मलाइन यूज़ करते हैं. एंड द फोर्थ वर्ड इज कंडोन. कंडोन मतलब माफ़ करना, क्षमा करना. इसे सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, हम जनरली गलतियों को माफ़ कर देते हैं, हम जनरली गलतियों को कंडोन कर देते हैं, हम जनरली गलतियों को माफ़ कर देते हैं, यानी हम जनरली गलतियों को कंडोन कर देते हैं. माफ़ करना सीखो, कंडोन करना सीखो, माफ़ करना सीखो, कंडोन करना सीखो. एंड द लास्ट वर्ब इज प्लैकेट. प्लैकेट, प्लैकेट. प्लैकेट का मतलब होता है किसी को शांत करना, टू काम डाउन, किसी को शांत करना, काम डाउन. इसे सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, वह मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा है, वह मुझे प्लैकेट करने की कोशिश कर रहा है, वह मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा है, वह मुझे प्लैकेट करने की कोशिश कर रहा है. समटाइम्स आप माफ़ी मांग के सामने वाले को प्लैकेट करते हो. समटाइम्स आप माफ़ी मांग के सामने वाले को शांत करते हो. समटाइम्स आप माफ़ी मांग के सामने वाले को शांत करते हो, यानी आप माफ़ी मांग के सामने वाले को प्लैकेट करते हो. Thus we have completed 10 verbs to express things around you. I hope you are enjoying the learning. Keep enjoying, keep learning, keep enriching yourself. Take care. Bye-bye.